हे गाइस, मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हैं अभी टेक। iOS 17 का सॉफ्टवेयर रिलीज होने के बाद सपोर्टेड iPhones में बहुत सारे नए फीचर्स हैं, जिसमें से कि एक फीचर है स्क्रीन डिस्टेंस। स्क्रीन डिस्टेंस के बारे में आपने सुना होगा, लेकिन ये कैसे वर्क करता है, हम इसे अपने आईफोन में कैसे इनेबल करेंगे और ये बेसिकली करता क्या है, आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में। स्क्रीन डिस्टेंस वो फीचर है जिसकी मदद से आपका जो आईफोन है वो आपको अलर्ट भेजता है या फिर आपको रिमाइंड करता है कि आप अपने आईफोन को काफी पास से यूज कर रहे हैं। तो जब भी आप अपने फोन को इस तरह कुछ पास से यूज करिएगा तो आपको ये अलर्ट सेंड करेगा कि आपका जो आईफोन है वो काफी पास से आप यूज कर रहे हैं, कृपया अपने आईफोन को थोड़े दूर पर लेकर जाएं। इससे क्या होगा कि आपकी आंखों पे असर नहीं होगा, मतलब आई स्ट्रेन नहीं बढ़ेगा, इसके लिए ये फीचर लाया गया। खास करके बच्चों के लिए फीचर लाया गया है। बच्चे फोन यूज करते करते काफी पास में अपने फोन की डिस्प्ले को ले जाते हैं और जिससे उनके आंखों पे आई स्ट्रेन होता है। इस फीचर में आईफोन आपके ट्रू डेप्थ कैमरा का इस्तेमाल करके डिस्टेंस को मेजर करता है कि आपके आंख से कितने दूर पे आपका फोन है, और उसके बाद ये आपको अलर्ट सेंड करती है। वैसे इस फीचर को हम अपने आईफोन में इनेबल कैसे करें, चलिए जानते हैं। आईफोन में स्क्रीन डिस्टेंस को इनेबल करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी चीज जो है वो ये है कि आपका आईफोन फेस आईडी वाला होना चाहिए, क्योंकि फेस आईडी वाले आईफोन में ही सिर्फ और सिर्फ ट्रू डेप्थ कैमरा देखने को मिलता है, और ट्रू डेप्थ की मदद से ही आईफोन आपका मेजर कर पाता है कि आप अपने आईफोन को कितने डिस्टेंस से यूज कर रहे हैं। तो वैसे जो भी फोन जिसमें की फेस आईडी है, जो की आईफोन 10 से ऊपर के फोन है, उन फोन में आपका ये जो फीचर है वो काम करने वाला है। अगर आपके फोन में टच आईडी है, फेस आईडी नहीं है, तो ये फीचर काम नहीं करेगा। स्क्रीन डिस्टेंस को इनेबल करने के लिए हमें अपने आईफोन की सेटिंग्स में जाना है, और सेटिंग्स में जाने के बाद हम चले जाएंगे स्क्रीन टाइम में। स्क्रीन टाइम में जाने के बाद आपको यहाँ पे एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा स्क्रीन डिस्टेंस का, तो आपको इस पे टैप करना है। टैप करने के बाद कुछ इस तरह से आपको यहाँ पे एक एनिमेशन की मदद से बताया जाएगा कि स्क्रीन डिस्टेंस आखिर है क्या और कैसे वर्क कर रहा है। तो हमें यहाँ कंटिन्यू करना है। कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पे बताया जाएगा कि कैसे स्क्रीन डिस्टेंस वर्क एक्चुअली में करता है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ जो व्यूइंग डिस्टेंस है वो यहाँ 30 सेंटीमीटर बताया गया है, मतलब कि आप अपने आईफोन को आईपैड को एटलीस्ट 30 सेंटीमीटर दूर रखें अपने आंख से, ताकि आपके आंखों पे स्ट्रेन ना जाए, ये सब चीजें यहाँ पर बताई गई हैं। तो उसके लिए हमें यहाँ करना है कंटिन्यू पे। कंटिन्यू पे करने के बाद यहाँ पे अगर डिसेबल है ये बटन तो यहाँ पे हमें इसे इनेबल कर देना है। अब इनेबल करने के बाद जब कभी भी आप अपने आईफोन को पास से यूज करेंगे तो आपका जो आईफोन है वो आपको अलर्ट देगा कुछ इस तरह से कि आप काफी पास से यूज कर रहे हैं अपने आईफोन को, थोड़ा आप दूर लेकर जाइए, कम से कम आर्म डिस्टेंस तक आप लेकर जाइए अपने फोन को, ताकि आपके आंखों पे स्ट्रेन ना आए। तो जब कभी भी आपको कुछ इस तरह से ऐसे यहाँ पॉपअप देखने को मिले तो आपको सिंपली अपने आईफोन को दूर करना है अपने आंखों से, और उसके बाद आप जैसे ही दूर करेंगे आपको ये मैसेज देखने को मिलेगा और आपको यहाँ पे कंटिन्यू करना है या फिर ये खुद ब खुद यहाँ से हट जाएगा। साथ ही अगर आप चाहते हैं इस स्क्रीन डिस्टेंस को डिसेबल करना, बार बार आपको ये पॉपअप आ रहा है और आप इसे डिसेबल करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप सेटिंग्स में चले जाइए और फिर से आपको यहाँ स्क्रीन टाइम पे चले आना है। स्क्रीन टाइम के बाद स्क्रीन डिस्टेंस में जाना है और यहाँ से आपको सिंपली इसे डिसेबल कर देना है, और इसके बाद आपका स्क्रीन डिस्टेंस वाला जो फीचर है वो कंप्लीटली डिसेबल हो जाएगा। तो दोस्तों, कुछ इस तरह से आप अपने आईफोन में स्क्रीन डिस्टेंस को इनेबल कर सकते हैं और साथ ही साथ अपने आंखों को आई स्ट्रेन से दूर रख सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी।